जाता है। मैं वैसे सांप मारता नहीं उस दिन, बल्कि सोमवार था और सोमवार के दिन सुबह सुबह 2-2.5 बजे हमने उस सांप को मार दिया। तो चलिए भाई, बस जय श्री राम, जय बजरंग बली, जितना उसके भगवान हमें इनसे बचा के ही रखे, इनको हमसे दूर ही रखे। तो ना मारने की नौबत आई और ना हमें बचने की और सावधानी बरतने की कोशिश हमारी रहे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। भाई गया हुआ अमेरिका, चाचा का लड़का, उसका घर ये है। पहले रजत तेरा घर देख ले, छोटा है मेरे से, थोड़ा ही छोटा है, 2-4 महीने 5-6 महीने। और ये पूरी मार्केट है महादेव मार्केट। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो भैया अभी उठा हूँ, 8:30 हो गई है और वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। और वही जानकारी पता क्या, आज आप लोगों के लिए कॉमन ग्रेड सांप है जो बेड पर चढ़ के काटने वाला भाई सांप, इसका बड़ा ध्यान रखो भाई। कई जगह हादसे हो चुके हैं, रोज़ वीडियो आती रहती है, पता भी लगता रहता है। ठीक है नहीं बात, तो भाई इसका बड़ा ध्यान रखो, ये सांप सबसे खतरनाक सांप है। वैसे तो हम खेत में जाते हैं, खेत में भी पाँव के नीचे आ जाए या फिर अपना ही पैर उस पर रखा जाए, मतलब कि कहीं से भी निकल के आ सकता है, रोड पे, बाइक रोड पे मिल सकता है, बाइक पे, बाइक के अंदर घुस जाता है, स्कूटी के अंदर घुस जाता है, कहीं पे भी सांप मिल सकता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप है, जो बेड पर मिलना, एसी के अंदर घुस के घुसते हुए मिलना, हमारे जो बाड़ा में मकान बने हुए हैं, अपने जो फार्म है, फार्म पे मकान है अंपल भाई शोर बच्चन भाई शोर के, और तो उसके उस मकान में बिल्कुल टुकड़ी है, कहीं पर भी जगह नहीं है। तो वो वीडियो है मैं आज दिखाऊंगा, शेखर आएगा तो शेखर के फ़ोन में वीडियो है, वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे सांप वो मिला है। ये कम से कम 10 से 12 दिन काफ़ी दिन हो गए मेरे ख्याल से, 10-15 दिन ऊपर हो गए, 15 दिन से ऊपर। तो शेखर बता रहा था कल मेरे को, लेकिन मेरे को याद था लेकिन मैं पूछ नहीं भूल गया उससे कि भाई वो वीडियो कहाँ है। तो उसके फ़ोन में है वो वीडियो, बिल्कुल पक्के पे घुस रहा था, घुसा हुआ था अंदर, और वो कहीं ना कहीं बेड पर या फिर सोफे पर, खाट पर, कहीं ना कहीं वो चढ़ता सांप। इतनी दिक्कत है भाई सांप की, इस सांप से जितना मतलब संभाल के रहना पड़ेगा भाई, कहीं पर भी हो सकता है ये। वही जो अपने पास वहाँ खर खोदा निकला था कमरे के बाहर, वही सांप ये है, कॉमन क्रेट सांप, बिल्कुल अजीब सांप है। उसका ऊपर निशान है और पतला मुंह है, जैसे अंगूठा है अपना या फिर ये उंगली है, इसके इतना मुंह है उसका, और बहुत ख़तरनाक सांप है। बहुत ही बड़ी मुश्किल से मारा उस दिन हमने, देखा ही होगा आपने वीडियो में, बल्ली के साथ भी मारा, इंटो के साथ भी मारा, जैसे तैसे वो मारा उस सांप को। तो जिंदा छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब से मुझे उस सांप से बड़ी नफरत है, जब से फफड़ाड़ा गाँव के अंदर, नहीं पीरथड़ा गाँव फफड़ाड़ा तो सतीश का गाँव है जो स्नैक मैन है, फफड़ा जो ये गांव है ना, जो पीरथड़ा गांव बता रहा था, उसमें 8 साल का और 4 साल का बच्चा, एक ही बाप के दोनों बच्चे थे, बेड पे चढ़ते हुए कान पे काट लिया, निशान भी नहीं मिला। और उस सांप को भाई सतीश फफड़ाना ने जिंदा भी छोड़ दिया, तो उसको तो एक भाई रिलीज करने का या फिर सांपों को बचाने का उसका तो एक काम है भाई। देखो तो पापा खेत में गए हुए हैं, खाना लेके जा रहा हूँ उनका दोपहर का, 12 बजने वाले हैं, अभी तक खाना नहीं खाया उन्होंने, और यहाँ पर कंबाइन लगी हुई है, ताऊ के अन्ना से लेके आया था उन्होंने भट्टे के बारे में। इधर कैथल वाले एनसीआर में, हम एनसीआर में हैं तो कैथल भी एनसीआर में होना चाहिए, इंक्लूड करो, नहीं तो हमें भी बाहर करो एनसीआर से। तो ये बातें हैं। तो भाई ये सब सारी मिट्टी खेतों मतलब इंटों के लिए ही है, भट्टे वाले हैं, ये लगी हुई है जेसीबी, देखो जेसीबी नहीं है, पोपलैंड है, जो चैन वाली होती है वो है, और हाईवे भर रहा है प्राइमा टाटा का लोहा। तो ये जीरी है भाई अपनी, और सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार एक भट्टा तो चला हुआ है यहाँ पे, आगे अगले साल से करेंगे मेरे ख्याल से अलाउड, अब की बार तो किया नहीं है शायद अभी तक, तो पता नहीं क्या रहेगा अब की बार। तैयारी तो इन्होंने पूरी कर रखी है, ईंटें भी बहुत सारी बना रखी हैं इन भट्टों वालों ने, तो पता नहीं अब क्या रहेगा, ये तो अब कोर्ट ही बता सकती है। अगर या तो अगर नहीं चलेंगे तो फिर उसका भट्टा बंद हो जाएगा, सील लग जाएगी मोर वाले ताले वाली। यहाँ से यहाँ कोई गाय या फिर जो नील गाय वो घुसी हुई है, तैयार है भाई 10-15 दिन के अंदर, 10 दिन में अंदर कटने लग जाएंगे।
ये इसे बोलते हैं दरंती, दांती बोलते हैं हम देसी भाषा में, इसे कटेंगे जुआर। तो पहुंच गए और यहाँ था सांप, इसके पीछे मशीन के पीछे। अरे का बनावत रहे भैया, ठीक है मैं तो भी जाऊंगा खाऊंगा, फिर चलते भी करते की तरफ। ये अपने वाला है, इधर वाला, ये सारा अपना है और इधर वाला इनका है। गाय माता रखते हैं भाई, हिंदू है भाई। ये नया है, कुटरी कुटरी, ये कुटरी है कुछ। ये गेहूं के ढोल है तीनों, एक दो तीन। और ये चक्की है पीसने के लिए, इस पर कोई छाया नहीं है। और ये तूड़ी वाला गोडाउन है, यहाँ सर्दी में भैंसे बनती हैं, इसको उपले बोलते हैं, थेपड़ी हम देसी भाषा में बोलते हैं। बाय। ये बने वाला गेट वाला, और ये काली माता का मंदिर है। जुवार लेके आया हूँ थोड़ी सी, माता रानी का मंदिर है। और ये सामने तालाब है, देखो बताता हूँ ना, बगैर प्लास्टर की दीवारें हैं गली में अपनी, ये हैं सब, बड़ा खतरा रहता है, कहेंगे लोगों को शिक्षा देता है। अपने घर की दीवारें खुरी पड़ी हैं, ये देखो भाई, ये गरीबी है भाई, ये तुलसी माता आ जाए हो, ये देखो भाई कॉमन ग्रेट, बाहर निकलो। क्या पता भाई हो सकता है, ठंड में इतनी में कुल्फी खाएगा तो। अच्छा बिल्लू है, कहा गया सारी। तो अभी शाम हो गई है, अभी खाना रेडी हो रहा है, खाना खा के फिर सोएंगे। तो भाई मतलब अगर यहाँ पे NCR वाला सिस्टम हो गया तो ईंट भाई हमारे यहाँ भी बहुत महंगी हो जाएंगे, कम से कम 7,000 रुपये भट्ठे पर हो जाएंगे। 6,000 भट्ठे मार्च में चलेंगे, 6,000 मार्च में रहेंगे, फिर उससे आगे बढ़ती रहेंगी, 3 महीने अगर भट्ठे चलेंगे तो भाई 7,000 भट्ठे पर रॉयल्टी हो जाएगी। अब भी 5,500 रॉयल्टी भट्ठे पर है आज भी NCR की वजह से, क्योंकि वहाँ ईंट पहुँच रही है ना, और भट्ठे की रॉयल्टी होने के बाद में 6,662 ऐसे ईंटें अभी भी पहुँच रही है, लेकिन 7,000 के करीब मार्च में एक महीना सस्ती हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं, उसके बाद में मार्च के बाद में बढ़ते ही जाएंगे, कम से कम 7,000 रुपये रल्टी 7,000 रुपये भी शुरू हो सकती है, क्योंकि 3 महीने भट्ठे चलेंगे तो भाई ईंटें एक दो मतलब कि 1 करोड़ भी ईंटें बड़ी मुश्किल से बना पाएंगे भट्ठे वाले। और अब बना रहे हैं हमारे यहाँ भट्ठे वाले 2-2, 3-3, 2.5-2.5 करोड़ ईंटें लगातार ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी देखो जैसे अभी 9वें महीने से चलेंगे, लगातार 6ठे महीने तक चलेंगे, अब देख लो 7, 8, 9 कम से कम ये मान लो 3 महीने भट्ठे बंद रहेंगे, और फिर 3 महीने भट्ठे चलेंगे और 9 महीने ऐसे कुछ बंद रहेंगे, देख लो कितना लंबा टाइम प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कैथल में ये प्रोसेस अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए तो भाई यहाँ पे बहुत महंगी हिंट हो जाएगी। हमारे यहाँ भी गरीब लोग हैं भाई, देखो जैसे थोड़ा सा इलाका हमारा गरीबी वाला है सारा ही, अमीर आदमी की तो देखो भाई कहीं पे भी वो तो कुछ भी बना लेगा, लेकिन गरीब आदमी को समस्याएं बढ़ जाएंगी भाई। तो भाई इस साल में जो अगले साल में प्लान अपना मकान बनाने का कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा, अगर 1-2 लाख ईंटें लगने वाली हैं आपके मकान में, कोठी में, जैसे भी आप प्लाट वगैरह कुछ भी बनाना चाह रहे हो, तो भाई इस साल में ही अभी से ईंटें अपनी ले कर डाल लेना, मकान अब आप किसी भी टाइम बना लेना, क्योंकि 20-30-50 हज़ार रुपये का फ़ायदा आपका ईंटों में ही हो जाएगा। तो चलिए भी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फेसबुक पेज विक्की सिंह मारवाता फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो, ईंटों के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में। तो चलिए धन्यवाद।